आपके कानपुर उन्नाव आपके उधर तो बहुत यूरिया डलता है ना, तो इसलिए हाँ बहुत डीएपी यूरिया बहुत डलता है, इसलिए अभी आप क्या करो 50% कम कर दो, कंपोस्ट जीवामृत अमृत पानी डालो 50% डालो अभी, ठीक है, एक साल के बाद उसको भी फिर धीरे धीरे कम कर लो, तो खाद इतनी डालने लगे लोग कहते कि सरकार खाद ही नहीं दे पा रही, उत्पादन गिर जाएगा, आपकी पैदावार गिर जाएगी, इसलिए आप थोड़ा सा डालिए, जिस खेत में आप 10 किलो डालते थे वहाँ खूब सारा कंपोस्ट सड़ा के डालिए, जीवामृत का छिड़काव करते जाइए, बीजामृत का छिड़काव करिए, जब आपको लगता है कि अब नहीं हो पा रहा है तो आप 5% यूरिया या डीएपी का छिड़काव या जो भी कर सकते हैं, पर अगले साल आगे आपको उसकी भी जरूरत नहीं, जमीन भी जितनी जमीन अच्छी होती चली जाएगी उतने आपका पोषक तत्व तो इन सब की रिक्वायरमेंट कम होते चली जाएगी, उत्पादन बढ़ते जाए, अच्छी जमीन है तो बाहर से कुछ डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पैदावार भी अच्छी देगी, हमने तो देखा है जो लोग रासायनिक से नहीं ले पा रहे वो उससे भी ज्यादा पैदावार आज लोग जैविक से ले रहे हैं, ले लो आपके यूपी में, जमीन अच्छी होगी ना।